चावल का आटा आ गया जी। चावल तो बाद मक्की का साडा सब तो स्पैशल आटा, चावल का आटा लोग अजक डोसा बनाते चावल के आटे से मिक्स होंगे यार खाना खाते, जिन्होंने कई बार एलर्जी होंगी है वीट तो। आ दलिया बिल्कुल ऑरगैनिक तरीके तैयार किया जाता, कली कली चीज़ को हाथ ना साफ करके अं तैयार करते हर चीज़। उस तो बाद देखो साढ़े को सोयाबीन का आटा है, आ सोया का आटा देखो साडा, आ जौ का आटा जी, जौ का जो आटा जी आप वेट लॉस करना तो बहुत फायदेमंद होंगे। आ ओट्स का आटा जी, ओट्स का आटा वेट आप रिड्यूस करना वो भी ओट्स का आटा तो डाइटिशियन रिकमेंड कर रहे हैं सारे। रागी का आटा आ गया जी, आ देखो कैल्शियम बहुत ज़्यादा होंगे रागी के आटे, साड़ी सन 1967 की चक्की लगी मेरे फादर साहब ने लाई सी, साढ़े को तकरीबन हर रोज़ ही गाहक आते हैं इस वास्ते असं रोज़ के रोज़ ही तैयार करते हैं हाँ सारे आटे। हर घर के रोजाना लोग आटा वरतते हैं, ज़्यादातर आटा जिहड़ा हैगा कणक का मक्की का जां बाजरे का जां वध तों वध जौं का आटा जां ये आटा जां चने का आटा वरतते हैं, लेकिन पर अज असीं तुहानूं दिखावांगे लुधियाणा की एक अजिही दुकान जिथे कि 22 तरह के आटे मिलते हैं। ये आटे लोग खाने लिए रोजाना लैके जाते हैं अपनी डाइट के विच तां जो वो वख-वख तरह दीआं बीमारियों तो बच सकन ते अपना जिहड़ा कोई वजन ना वध सके, शूगर लई अलग अलग तरह के आटे ने तुसीं तुहानूं दिखाउणा चाहुंना जिस तरह नाल तुसीं देख सकदे हो हरी कंगणी का कुटकी का राजगढ़ी का सवांग का किनुए का कोदरे का रागी का ओट्स का बाजरे का कई आटे ने। ये आटे इत्थे बिल्कुल शुद्ध तो हाइजीनिक तरीके तैयार किए जाते हैं। सब तो वड्डी गल आ एक गल करावे साढ़े नाल जिन्हों वालों ये आटे तैयार किए जाते हैं कितों कितों लोग आते हैं, पहला कच्चा माल भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम देख सकते हो बिल्कुल फ्रैश तो जोड़ा समान इतने पिया है देख सकते हो, जो अलग अलग तरह का जो समान आ इतने पिया जिन्हें किसी ने जिन्ना आटा लैना तुरंत यह जो है उसनों पीस के देंगे ने। तो हाइजीनिक ढंग का जो इनका प्लांट भी लग्या हुआ देख सकते हो, प्लांट दी तस्वीर भी असं दिखाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो इन जे मालिक ने जिन्हों वालों ये तैयार किए जाते हैं तो वह भी सारा दिखावे तो प्लांट दी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। प्लांट भी जो बड़ा हाइजीनिक ढंग का जो प्लांट आ वह लग्या हुआ तो उत्थे आटा तैयार किया जाता है। असं गल भी करांगे सब तो वड्डी गल आ इक्को थों ते इन्ने आटे मिलना की फायदे ने इन्हां आटिआं दे सारियां वह भी गल करांगे असीं सारा किस तरह किते दा। सर की कहना चाहुंदे हो तुसीं किन्ने समय तो इस काम दे विच हो, किन्ने तरह के आटे जिहड़े तुहाडे कोल? सत श्री अकाल जी, पहले तो तुहानूं सारिआं नूं तुहाडा वैलकम करदा मेरे कोल आउण दा। साडी सन 1967 की चक्की लगी मेरे फादर साहब ने लाई सी और साडी हमेशा यही कोशिश रही है भी असीं इमानदारी नाल और लोकां दे साफ सुथरी चीज़ असी उन्होंने मुहैया करा सके। और इस उपराले दे विच मेरे फादर साहब पहला फिर उन्होंने फादर साहब और फिर साड़ी तीजी पीढ़ी इस तो बाद साड़ी चौथी पीढ़ी इस दे विच लगी हुई है। तो किन्ने तरह का आटा होंगे सानू थोड़ा डिटेल नाल दस्सो। साढ़े को 22 तरह के आटे होंगे है और हर तरह के जिहड़े आटे है कोई डाइट वास्ते होंगे, कोई शूगर वास्ते होंगे, कोई आयरन वास्ते, कोई कैल्शियम वास्ते, हर तरह के आटे तुहानू मिलणगे इत्थे। इत्थों तक कि जे शूगर किसी की बहुत ज़्यादा वो आटे योजे खाणगे जोड़े आटे इन्हों दसागे असी तो वह शूगर भी कंट्रोल हो जाती है, कोई किसी तरह की कोई चिंता वाली गल नहीं और सारी ऑरगैनिक तरीके इतने तैयार होंगे और सारा इमानदारी हर चीज़ तुम कहना चाहोगे जिस तरह ना थोड़ा कोई जिन आटा लैन आ जो उस टाइम मिल जाता है या तुरंत जो तैयार होंगे या थोड़े को हर वक्त ये साढ़े को तकरीबन हर रोज़ ही गाहक आते हैं इस वास्ते असं रोज़ के रोज़ ही तैयार करते हैं हाँ सारे आटे। रोज़ एक दिन के जिन्ना आटा सेल हों उन्ना ही तैयार किया जाता और सारा ताज़ा आटा ही हर एक दिता जाता है। दिखाने की कोशिश करो थोड़ा जहा भी किस किन्ने तरह के जो आटे ने जिम्मे शुरू तो आप करते हैं इतों भी किस तरह का जोड़ा है सारा आ बेसन हो गया साडा प्योर बिल्कुल प्योर बेसन तुहानू मिलेगा। उस तो बाद चने का आटा आ गया सारा हाँ आ चने का आटा जी ये चने का आटा जोड़ा तो शूगर वास्ते और हार्ट वास्ते सारे वास्ते बहुत वधिया होंगे। उस तो बाद चावल का आटा आ गया जी, चावल तो बाद मक्की का साडा सब तो स्पैशल आटा, चावल का आटा लोग अजक डोसा बनाते चावल के आटे से मिक्स होंगे यार खाना खाते, जिन्होंने कई बार एलर्जी होंगी है वीट तो वो चावल का आटा बहुत खाते हैं। बारह महीने तो मक्की का आटा इतने सारे आटे तो 12 महीने पूरे ही मिलने। हम तुम आ देखो आ दलिया साडा, आ दलिया बिल्कुल ऑरगैनिक तरीके तैयार किया जाता, कली कली चीज़ को हाथ ना साफ करके अं तैयार करते हर चीज़। उस तो बाद देखो साडे कोल सोयाबीन का आटा है, आ सोया का आटा देखो साडा,
हर चीज़ तुहानू प्योर और असली मिलेगी, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं मिलेगी। जौ का आटा जी, जौ का आटा ते सोयाबीन के आटे के फायदे, जौ का जिहड़ा आटा जी आपां वेट लॉस करना तो बहुत फायदेमंद होंदा। ये तुसीं लगातार खाओ इन और तुहाडा वेट जिन्ना जिनी जिदा खाई जाओगे तुहाडा वेट रिड्यूस हो जाऊगा। सोयाबीन का सारी सब तो ज़्यादा प्रोटीन जिहड़ी है सोया च हुंदी है। ज्वार का आटा गया जी, सारे ही थानू जो कोदरे का आटा हो गया या ज्वार का हो गया या कुटकी का हो गया, एक शुगर वास्ते जो पांच छे आटे जो शुगर वास्ते पैंदे है। और थानू ये आटे खाने नाल आउणा बाजरे का आटा जी, आ देखो ये भी शुगर के बाजरे का आटा पैंदा है। और डाइट वास्ते हो गए थोड़े ओट्स का आटा आ गया जी, ओट्स का आटा जी, ओट्स का आटा वेट आप रिड्यूस करना वो भी ओट्स का आटा थानू डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं सारे। रागी का आटा आ गया जी, आ देखो कैल्शियम बहुत ज़्यादा होंगे रागी के आटे च। उस तो बाद कोदरे का आटा आ गया जी, कोदरे का आटा होंगे जी अपने हार्ट वास्ते, रोजाना खा सकते हैं। ये सारे आटे आप रोजाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किनुए का आटा आ गया जी, सारे ही पांच आटे मिक्स करके, सवांक का हो गया जी, राजगिरी का आटा हो गया जी, कुटकी का हो गया, हरी कंगनी का हो गया जी। ये पांच आटे मिक्स करके आप जो आटा बनाने वह शुगर का आटा जो बनता है, पांच आटे मिक्स करके शुगर का आटा बनता है। बिल्कुल जी, रोजाना लोग बहुत खाते हैं, हम तो डाइटिशियन कोई या डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं या किसी वीट तो एलर्जी है वो रिकमेंड करते आटा यही लैके जाते हैं। जे गल करिए कि रोजाना का जोड़ा है लोग आते हैं, किन्ना लोगों रुझान आया, किन्ने लोगों को पता कि हले लोग ये तो वांझे ने इन चीज़ों तो भी नहीं पता है लोग, जिम्मे लुधियाना बहुत वड्डा शहर है नहीं हजे इन लोगों नहीं पता, पर हूँ थोड़ी थोड़ी जागृति आ चुकी, जिमें डॉक्टर उन्होंने कहते पे ने या डाइटिशियन कह रहे हैं उस ना काफ़ी हद तक जागृति आ चुकी है। पर हजे भी लोड़ आपां नूं जागृत करन दी इस काम दे विच भी, तुम्हें जोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखना तो थोड़ा जहा लाइफ स्टाइल चेंज करना जी। आटे आपको वरतने यहाँ मनुखी सेहत असर पैदा है, जो खाते हैं तो उन्होंने दिक्कत का सामना नहीं करना पैंता, तो उन्होंने वेट भी वाधा नहीं है, तो हार्ट दीमारियों तो बचते हैं वो बारे ये जिन्ना भी तुम कभी भी तुम इन्हें गूगल पर सर्च मारो तो सारा ही इन्हों का आजगा ये जेडे पांच दस भी बई तरह के आटे, हर एक आटा जोड़ा हूँ आम बाजार के आटे मिलते जी, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन आटा प्रोपर एक नहीं लैना चाहिए, वो तुम देखो किस वास्ते लैना हार्ट वास्ते लैना संपर्क करना हो आटा लैना हो कितने आ सकते हैं, तो थोड़े वालों कोई डिलीवरी का भी रखा भी जो मंगा या उ सीधा आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर, अभी होम डिलीवरी दें जी, कोई भी साढ़े को आके साढ़े मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर थानू इतने दे देंगे भाजी, वो तुम उत्ते टैलीफोन करके भी अपने आटा घर मंगा सकते हो, होम डिलीवरी कर दें। बिल्कुल, असं अज थोनों बई तरह के आटे दिखाए ने, आटा जोड़ा कि हर मनुख की जिंदगी दे एक अहम आहार आ, सवेरे हर घर के किसी ना किसी तरीके जोड़ा आहार बनता भी भोजन बनता, सवेरे कोई भी बंदा अपने घरों निकलता तो कुछ ना कुछ खा के निकलता, चाहे वह घरे मक्की के आटे रोटियां खाता, चाहे कणक कई घर मल्टीग्रेन आटे रोटियां खाता, इतने भी जोड़ा है थोड़ू अलग अलग तरह के आटे जोड़े असं दिखाने की कोशिश की हैगी, जिते कि बई तरह के आटे ने, चावलों का आटा जोड़ा कि तुम कई बार चावलों का आटा घर कई तरह के चावलों के आटे का समान बनता है, वो इतों फ्रैश आटा ले जाके अपने घर समान बना सकते हो, जौ का आटा, कोदरे का आटा, रागी का आटा, यह सारे आटे ने जो जिस तरह शूगर लिए बहुत अहम ने, जोड़े आटे कई मिक्स जो मिक्स करके आटा बनाए शूगर लिए, हार्ट दिया दिल दिया बीमारियों तो बचने लिए कुछ आटे बहुत अहम ने, इस करके असी नवी चीज़ आ नवा प्लांट एक बहुत वधिया तरीके हाइजेनिक तरीके का जो प्लांट आ जिते कि एक चक्की लगी हुई है बड़े वधिया तरीके इतने आटा जो पीसया जाता है वह भी असं तुम्हें दिखाया है, लेकिन इस तरह दिया तस्वीर या इस तरह दिया जिहड़ियां खबरां ने बहुत घट देखने मिलती ने कि इको थौं ते इको छत थले कई तरह के आटे मिलते हैं। अजकल इस जेमिया भरी जिंदगी दे विच जां टेंशन भरी जिंदगी दे विच जेकर अपनी डाइट सही नहीं होगी तो असी कई तरह दी बीमारियों तो पीड़ित हो सकते हैं, सो इन्हां आटे की वरतों करके तो आप अपना जिहड़ा सेहत नूं तंदुरुस्त रख सकते हैं। लुधियाणा तो कैमरा परसन रोहित दे नाल तरसेम भारद्वाज।